प्यार तू ही दिलदार, तू ही मेरा प्यार, तेरा मेरा दिल में है दरबार। कर दे एक बार बेड़ा पार, मुझे घर बार लगे बेकार, फिर मैं बन के तेरा जोगी। तू यार तू ही दिलदार, तू ही मेरा प्यार, तेरा मेरा दिल में है दरबार। कर दे एक बार बेड़ा पार, मुझे घर बार लगे बेकार, फिर मैं बन के तेरा जोगी। वाह, ये कब सीखा? फॉरवर्ड, हाँ, ये कब गाया? कभी कभी गाई देते हैं। कब सीखा है? ओए नहीं, कब सीखा? पहले तो नहीं गाया ये? आज से ये मैंने कब सीखा पता हूँ? विश्वास नहीं करोगे हमारा। है? कर लेंगे, आज से बताइए। 15 साल पहले मैंने गाना सीखा था, जब मैं गांव में था। मैं कितने साल की थी तब? जब 10 में था, 10 क्लास में, अरे दूध के दांत भी नहीं टूटे थे तब? ये साल की और मैं मुझे सोनू निगम बहुत कितना? पसंद था, और मैं क्लास में भी गाता था उस वक्त सीखा। और उसके बाद 15 साल बाद मैंने गाया। देखो याद पूरा है, फिर भी देखो बंदे की, मैं 6 साल की थी यार, कि ये तो इतना अच्छा गाना गा लेता था। बंदे की दिमाग देखो क्या यार, थोड़ी तारीफ वारीफ करो क्या। तारीफ पंद्रह नहीं जा साल रहे, मैं बाद लिटरली वही गाना, ज्यादा सीख वही अंदाज में। रहा था। 6 साल की थी, मैं क्या सीख रही थी तब? पीना पीती थी यार तब, मैं भी बच्चा मैं ही 8 साल था, की थी तब। क्या बच्चे थे, मैं इतना पंद्रह अच्छा गाना सोलह साल कैसे का गाते? था। 15 साल से? 1 मिनट, ए अपनी एज बताओ असली। 15 साल नो पहले चीटिंग, 1 मिनट, अपनी एज बताओ। असली एज तुम्हें पता है? पासपोर्ट दिखाऊं? मतलब मुझे नहीं, अराउंड 10-15 साल, ये कब मतलब 10 से कम तो नहीं है। क्या होता है? 13 साल के थे, ऐसा बोलो। हाँ, मैं तो बचपन से गाता था, 2 क्लास से गाता था मैं, 2 क्लास में मैंने गाया था। अरे हाँ, 2 क्लास में गाया था, और उसके बाद 5 में आते आते 5 में मैंने दोस्तों को सुनाना सुनाया, ऐसे कागज रोल करके, कॉपी रोल करके ऐसे कान में सुनाता था, गोरा साँक फेदूं, ऐसे ऐसे सुनाता था मैं अपने दोस्त को। अरे तुम्हारे वॉइस तो बहुत अच्छा है, बोलते हैं। अरे तुम तो सिंगर टाइप के गाते हो। लड़की को लड़का लड़की सबको, फाइव फाइव में था मैं सब। ओह अच्छा, हाँ यार मैं गा सकता हूँ यार, मैं बोलता था ऐसे। और सिक्स सिक्स में जब चेंज हो गया स्कूल, 5 तक ही था उधर हमारे गांव में, तो चेंज हो गया सिक्स, और सिक्स हो गया थोड़ी दूर, 10-15-20 मिनट लगता था चल के, तो उस वक्त चल के जाते थे। और सिक्स क्लास में एक क्लास टीचर था हमारा, लीला मैम करके, उसने मेरा आवाज थी। सुना, कहाँ थी ये छोड़ो ना उस, और हर रोज गवाती थी मुझसे। उसकी क्लास शुरू होने से पहले मेरा गाना होना चाहिए, उसके बाद वो क्लास स्टार्ट करती ये कब थी, क्लास टीचर। गाना हैं? गाया? मैं पढ़ाऊंगी वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगी बच्चों, आज छुट्टी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो ऐसा ऐसा तो नहीं, लेकिन वो वैसे गवाती थी मुझसे। तो उधर से मेरा सिंगिंग का जर्नी शुरू हो गया,
और थोड़ा बहुत क्लास में और उस स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंस भी करने लगे थोड़ा बहुत, है ना। एक बार स्टेज चला था, उसके बाद अच्छा ही था। वहाँ तक, वहाँ कितने तक पढ़े मैं? 6, 7, 8। उसके बाद कितने तक था? उसके बाद ग्लोसाइन एकेडमी, थोड़ा प्राइवेट स्कूल में पढ़े 10 तक। पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। हाँ 11 तक पढ़ा उधर, और फिर उसके बाद 12 तक पढ़ा, 12। फिर बैचलर उधर टाड़ी शहीद स्मृति, पढ़ रहा था मेरा फोर्थ, थर्ड ईयर चल रहा था मेरा, मैंने छोड़ दिया, फिर पूरा भी नहीं किया है। तो मैं गया ना रियलिटी शोज में वगैरह गया, तो मेरा हो गया है बस। ऐसा है, कोई बात नहीं। I'm from Chiton, bro. बहुत पुराने पुराने गाना है। बहुत अच्छा गा रहा है। हैं जी? अच्छा गा रहा है बहुत। ओह। ओह। क्या देख रहे हो? रैंकिंग देख रहा हूँ, तुम मुझे टॉप करने वाली हो, हैं? मुझे टॉप करती हो तुम? तंग कर रहे हो मुझे? तंग नहीं कर रहा हूँ। कर रहे हो? हाँ। मैं आई थी। हाँ जी? मैं आई थी। फिर मैं भी आ गया, क्या बात है? साथ में रैंकिंग में साथ साथ चल रहे हैं गाइस, हैं जी? तू लड़कियों के पीछे, तू लड़कियों के पीछे, लड़की दिखी नहीं थी, पीछे पीछे चल दिया। हाँ, मैं रैंकिंग तो, में सर, हाँ, स्कूल में, क्लास में, डिप्रेशन में, हर जगह। क्या मैं लड़की दिखी नहीं थी डिप्रेशन में? है कहीं हर जो है कुछ नहीं, आरजू, 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 हाँ कभी कभी हो जाता है गाते गाते। आरजू है दिल है तू ही तू, हर लोग मनाए शोक कहे ये जोग है मेरे, हर लोग मनाए शोक कहे ये शोक, ओग शोग, ओग सोग, ओग सोग, सोग इसका मतलब क्या है? अफसोस, दुखी होना। सोग, सा या शो, शोग, तो सा, हर लोग मनाए सोग कहे ये जोग, शोक नहीं, शोक नहीं, शोक मतलब पसंदीदा, फेवरेट। ओके, बहुत अच्छा है, थैंक्स। इतने रूड होते हो, सच में मेरा दिल नहीं करता तारीफ करने का। तारीफ करके मैं ऐसे करता हाथ से मैंने, तो मैच जीत के दिखाओ फिर। तो कैसा हो रहा है आपका स्टे नेपाल में, कैसा लग रहा है? अच्छा हो रहा है? अच्छा ठीक है फिर। नो, बहुत खुश लग रही हो, हाँ क्या बात है।
हाँ बोलो ना। आज ना मैं फिर किसी से घूमने के लिए। हाँ तू बता क्या क्या हुआ? सुनो ना, क्या हुआ, मैं ना एक जगह से घुसी और ना मैं चप्पल ले रही थी अपने लिए। चप्पल? हाँ जैसे मेरे पांडा वाला जैसा। हाँ जैसे तो एक आंटी थी इंडिया से, वो मेरी फोटो बना रही है, वो मैं उसके साथ कहीं देख रही थी वो फोटो में। मम्मा ने उसको कहा आगे जाके बना लो उसकी फोटो, क्योंकि ये नहीं मुझे बना। मम्मा ने कहा नहीं नहीं जाओ बना लो। मम्मा ने कहा छुरी बना रही है जाके ऐसे बना दो। तो फिर उसने मेरे साथ अच्छे बनाई और फिर उसके बाद वो शुरू हो गया। क्या नहीं नहीं तुम ही देखा होगा, तुम सुरेश लामा के साथ लाइव आते हो, सुरेश लामा को भी देखते बाजार में रोड के दरमियान में खड़ी हूँ। अच्छा अच्छा सुरेश लामा के साथ लाइव देखा था मैंने, तो मैं तो पाकिस्तान का नाम सुन लाइव पे आती हूँ। ऊंचे ऊंचे आवाज में यहाँ के नेपाल का वो थोड़ा सिंगर है, लाइव आता है वो, लाइव आता है, बहुत अच्छी आवाज है उसकी, लाइव आता है वो, ये उसके साथ आती है लाइव। कुछ तो छोड़ दो आंटी, कुछ छोड़ दो, सबको बुला के सबको इकट्ठा करके बुला के बताने लगी। माइक दे देती उसको, माइक उसकी आवाज माइक से कम नहीं थी। अच्छा कितनी उम्र की थी? 40 समथिंग। मतलब वो कहाँ, न्यू रोड पे? हाँ न्यू रोड से आगे बसंतपुर। कहाँ गए आज? आज गए इधर बारमक, बसंतपुर न्यू रोड। हाँ न्यू रोड और ये जगह वो जहाँ मस्जिद वाली रोड है ना, मस्जिद के सामने, वहां से जाके फिर न्यू रोड तक गए थे। हाँ मस्जिद गए? मस्जिद नहीं गए, वो मस्जिद है ना उधर घंटा घर के पास। हाँ वही वही सेंटर, घंटा घर के पास उधर से न्यू रोड तक। वो तो हाँ वन वे है, उधर से ही जाएगा। वन वे गली में, गली में से नहीं नहीं उधर से ही जाएगा न्यू रोड। हाँ हाँ वन वे है ना, तो फिर नाम इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ लेकिन नेपाल में मस्जिद है। हाँ बहुत सारी है, काठमांडू में देखा मैं। आज मैंने यहाँ पे तीन मस्जिद देखी रोड पे। क्या दिखे मस्जिद? बहुत सारी जहाँ मस्जिद है और उसके आगे तो फिर एक मंदिर है, उसके आगे करके एक चौक है और उधर से वो अंदर भी गली जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है। कहाँ की बात करें, काठमांडू में बहुत सी जगह है ऐसा। काठमांडू में? हाँ काठमांडू में बहुत सी जगह ऐसी है। तुम कहाँ की बात कर रहे हो? और दरबार में सारा घूम, सारा कल भी आज भी दरमार्ग के अंदर गए, वो दरबार में, दरबार जहाँ राजा लोग रहते थे वो देखा? नहीं राजा ने मुझे बुलाया नहीं। नहीं नहीं राजा है ही नहीं अभी तो, उसको मार दिया ना फिर किसने? नेपाल के राजा को मार दिया ना, पता नहीं किसने, अभी तक पता ही नहीं। नेपाल के राजा को मार दिया, उसके बाद उसकी बेटे ज्ञानेंद्र राजा बने, उसके बाद फिर डेमोक्रेसी आ गया। तो गलत हुआ। हाँ पूरा फैमिली को मार दिया, तो कैसे कैसे मारा वो सब है उधर, कैसे रहते थे वो लोग, कहाँ रहते थे, कैसे वो दरबार। कल जाना, कल कल
क्या जाऊंगी कल एक जगह पे जाऊंगी, बता नहीं सकती हूँ ना, मैं मैसेज करूंगी, मैं वहां जाऊंगी। बेटा है ना, भाई है। ओके सॉरी सॉरी गाइस, भाई है ना, भाई ओके। सुनो कल मैं एक जगह पे जाऊंगी, मैं बहुत सबको नहीं बता सकती थी, अगर ना सब लोग वहाँ चले जाएंगे, पहले मुझे जान लो फिर इसके बाद, ठीक है। बहुत अच्छी जगह मिली है मुझे काठमांडू में, थोड़ा सा दूर है इधर से, मैं वहाँ से जाऊँगी, आना है तो भी आ जाओ। मैं कैसे आ सकता हूँ यार, जा रही हूँ दो दिनों में वापस। हाँ फिर से आना, कोई बात नहीं। क्या यार ते यार, कौन सी जगह? कौन सी जगह है वो? एनी हिंट? नहीं बताओ यार, सबको पता चल जाएगा। मंदिर है, मंदिर नहीं बताओ क्या है? स्विट्जरलैंड पार्क पता नहीं, लिख रहे हैं अब मुझे क्या, मैं तो कभी नहीं गया स्विट्जरलैंड पार्क। हाँ शायद वही पे ना, नहीं क्या क्यों हो यो? मन का मना टेम्पल है वो, मन का सुना है मैंने ये चंद्रगिरी तो गए गए हो, चंद्रगिरी नहीं है तुम, कल मैं व्लॉग बनाऊंगी। यू आर रिमेनिंग लुम्बिनी मन का मना आई थिंक एंड मुस्तंगया मनांग और सेवा गया रारा बाकी है, रारा ताल रारा लेक बाकी है, सेवा लेक गया रारा लेक बाकी है, मुस्तंग गया मनांग बाकी है। मैं आपको म्यूट कर दूंगी, बताइए ना हम लोग जाएंगे घूमने के, और माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप जाओ, बंदीपुर जाओ, क्या करूँगी बेस कैंप जाओ और बैठो टेंट लगा के चाय पियो, बस देखो हिमाल स्वर्ग स्वर्ग देखो उस पे, उसके बाद बेस कैंप जाके स्वर्ग जन्नत जन्नत स्वर्ग बोलते है इधर। देखो अगर नहीं आना चाहते watching DP क्या है, मेरी डीपी खोलो क्या है, आपकी डीपी क्या है? टू क्या है डीपी में? टू लिखा है, टू अब टॉप टू थी क्या? हाँ भाई बिल्कुल ठीक बोले, मेरा देखो डीपी हेस देखो ना, टॉप 10 का लोगो है।